चलो आ गए सब लोग। नहीं नहीं संडे को होगा बच्चों टेस्ट, डोंट वरी संडे को होगा टेस्ट। ओके चलो आ गए सब लोग, करें स्टार्ट लेक्चर। यस सर। ओके चलो यू वांट मी टू डिस्कस असाइनमेंट के समस्या बच्चों। You want me to discuss assignment के sums ना? Yes sir. Email आया सबको table पे? जो मैंने table दिया था वो complete करने के लिए आया सबको? Yes sir. उसने कुछ doubts नहीं है ना? Table complete करने के लिए doubts नहीं है बच्चों? No sir. Doubt कहाँ ना सबको ना? Table completion easy था ना? Okay? फिर पहले करना था। Okay? फिर भी दो मिनट में बताता हूँ क्या-क्या answers आए, just cross check। हम कुछ cross check करेंगे ओके? Answers क्या-क्या आए हैं? हाँ एक्टिविटी एक्टिविटी एक्स वाई इक्वल्स जीरो एक इक्वेशन वाज एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन। वाई का आंसर क्या है? वाई का आंसर क्या है बच्चों? वन। यस वेरी गुड। एक्स अगर मैं जीरो डालता हूँ, अगर मैंने एक्स यहाँ पे जीरो डाल दिया तो जीरो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वाई इज इक्वल माइनस वन, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू वन। ओके नेक्स्ट वन, अगर y जीरो है ना, y जीरो तो x क्या आएगा? माइनस वन। माइनस वन ये इधर जीरो डाल दिया ना, x माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, x माइनस जीरो इज x इज इक्वल टू माइनस वन, जीरो कॉमा वन माइनस वन कॉमा जीरो। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला है थ्री। अगर एक्स में थ्री डालता हो तो व्हाट इज वाई? अगर एक्स में थ्री डालता हो तो व्हाट इज वाई? फोर। आपका तो अगर मैं एक्स थ्री डाला तो थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये थ्री इधर आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल। ओके वेरी गुड। एंड लास्ट वन, लास्ट वन इज माइनस थ्री, व्हाट इज द आंसर? अगर इसके जगह पे वाई की जगह माइनस थ्री डालता हो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन है तो एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री आ बच्चों माइनस फोर। ओके माइनस ऑफ माइनस थ्री, यस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री इधर आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। यस बहुत लोगों को इसमें मिस्टेक हुआ है ना, मेजोरिटी बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक हुआ रहेगा, दैट इज माइनस फोर माइनस फोर। अंडरस्टूड? समझा बच्चों? इजी है। यस सर। माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, सॉरी 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 माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, सॉरी। ओके सी इजी, जिसको नहीं आया रहेगा वो लोग देखो प्लीज, ठीक है? जिसको नहीं आया रहेगा लेक्चर साथ आप लोग कल रिकॉर्ड हो गए बच्चों, टाइम लिया रिकॉर्डिंग के लिए। आज ये भी लेक्चर्स आई थिंक तो कितने पेंडिंग है लेक्चर्स रिकॉर्डिंग के? तीन है ना, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर के फोर है। टुडे इज फ्राइडे ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तीन है ना। नहीं ये सब का ग्राफ नहीं बनाना है बच्चों, ओनली कंप्लीट द एक्टिविटी, ओनली कंप्लीट द एक्टिविटी। तीन पेंडिंग है इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर ना। ओके तो तीनों का हो जाएगा रिकॉर्डिंग आज ये लेक्चर। अभी लेक्चर होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग को लगाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, इतना क्यों टाइम लगा रहे, ठीक है? लेकिन रात को दो लेक्चर्स तो प्रीवियसली हो गए, ये भी लेक्चर रिकॉर्ड करके रखता हूँ, फिर तीनों में भेजता हूँ तुम लोग को ग्रुप पे। ओके चलो अंडरस्टूड बच्चे? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, क्लियर है? यस सर। ओके चलो वो ग्राफ का करेंगे फटाफट, फिर लास्ट के दो सम्स करने हैं। ओके चलो असाइनमेंट का उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, टेबल भी बना रहा हूँ ग्राफ भी ड्रॉ करना है बच्चों, ठीक है? तो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर। टेबल कैसे बनाएंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर का? बहुत इजी था ना यार,
See the ball if you done. कितने ऑर्डर पहले लिए थे? हम वो छोटे कितने ऑर्डर पहले लेंगे हम लोग बच्चों? Four. Four. जी बोल. X, Y, X, Y. फटाफट चलो. Cut. X का value. One and three. Yes, very good. One, three, one, two, comma, two. Three. Two, two, two. Zero comma, and four. Three, one. Three, one, three, comma, one. 4, 0, 4. 4, 0, 0, 4, 0. You can take anything, I'm telling you. ठीक है, तुम लोग बोलेंगे सर यही दिया है. You can take anything. बच्चों इससे कुछ फर्क नहीं करने वाला है. नहीं नहीं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अंजलि ने. उनका बोलने का मीनिंग क्या है सर? ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यू हैव टू स्पेसिफाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दो बच्चों अंटिल एंड अनलेस वो लोग पूछते नहीं ना, तब तक नहीं ठीक है स्पेसिफाई करना है. और वो लोग ऐसा नहीं पूछेंगे बच्चों, दे वोंट बी आस्किंग यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दे विल बी आस्किंग यू ओके फ्रॉम द ग्राफ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे वो लोग. इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. फ्रॉम द ग्राफ वो लोग पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन्स. पूछा तो बहुत ही अच्छा है, देखिए उसके जगह पे एक अलग सा क्वेश्चन रहेगा. From the graph, find the solution of the equation. The solution of the equation क्या होता है? You know that क्या होता है solution of the equation बच्चों? Solution of equation point is nothing of intersection. But point of intersection of two lines. Okay, point of intersection of two lines on the graph. That is your solution of the equation. आप मेरा कहो बच्चों, question twist होते हैं. समझ में आया? Directly वो लोग नहीं पूछेंगे. Find the point of intersection of those lines. वो लोग पूछेंगे फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट वाला. कौन सा इक्वेशन दिया था? ये वाला भी इजी था रे. X, Y, X, comma, Y, 2X minus Y is equal to 2. Okay, chalo, start. So, 1, comma, 0. 1, X is 1 and Y will be 0, pakka. But I don't know, so ye solve karna hai. Ye to easy equation tha, kyunki isme coefficient 1 the dono variables ke. Isme ek hi variable ka coefficient 1 hai aur dusra number hai. To isko solve karna hai bachcho. Ha, agar X1 लेते हैं, if I am taking X1, तो क्या हो जाएगा? This will be 2, 1 जा 2, minus Y is equal to 2, ये plus 2 इधर आएगा, 2 minus 2, बराबर है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Y is equal to 0, Y is equal to 0, plus minus 0 नहीं लिखते हैं बच्चों, 0 को value नहीं होता है हमेशा, exam में क्या teacher ऐसा लिखती है क्या तुमको? ये क्या है? एक ही चौक है मेरे पास, तो ये एग्जिट होता है. हाँ दिख रहा है, जीरो दिखता है नहीं, समझ में जीरो को वैल्यू नहीं होता. सर वो बच्चा फिर से आ गया. आया क्या? हाथ में कुछ भी लिख रहा है. ओके ओके, उसको मैं वार्निंग देता हूँ, बहुत जल्दी उसके घर पे आने वाला हूँ. ओके okay, बहुत जल्दी ठीक है, सुनता रहेगा तो सुनने दो उसको. बहुत जल्दी बच्चों, जो भी देख रहे हो स्टूडेंट, बहुत जल्दी तेरे घर पे आने वाला. ओके okay? फिर देखते हैं क्या करने का तेरे साथ. ठीक है, गया क्या वहां के? गया वहां के, 2 मिनट के लिए आता है, निकल के जाता है वो.
ऐसे बच्चों में गट्स नहीं है। ठीक है चलो ध्यान दो बच्चों, अंडरस्टूड मैंने क्या बोला। चलो x अगर मैं 2 लेता हूं, इफ आई एम मेकिंग x एज 2, 2 2 इज 4, 4 यहां पे आएगा तो दैट विल बी -4 बराबर है, तो दैट विल बी 2 - 4 विल बी -2 बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल y विल बी 2। वेरी गुड, अंडरस्टूड समझा बच्चों? या ओरली भी कर सकते हो। अगर मैंने x2 लिया, 2 2 इज 4, 4 को क्या माइनस करके 2 आएगा, ऑब्वियसली y मेरे को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 को 2 से माइनस करके मेरे को 2 आएगा। समझ में आया? अगर कैलकुलेशंस, इसको कैलकुलेशंस के ऊपर मतलब फटाफट कैलकुलेशंस आते हैं वो ओरली भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आते वो लोग ऐसा करो रफली। ठीक है नेक्स्ट वाला, तो 3 एंड 4 क्या माइनस करोगे, 2 आना चाहिए। वेरी गुड, अंडरस्टूड बच्चों? Understood? Is it done? Yes, sir. Is it done? Yes. ठीक है, तो graph draw कर रहे हैं। Graph draw किया तुम लोगों ने? अभी कर रहे हैं। Yes, sir. नहीं available है बच्चों। ठीक है, तो roughly draw करो। ठीक है, लेकिन you know how to check your answers, sir? Okay, विष्णुलाल मिलते हैं बहुत जल्दी। तेरे साथ क्या होने वाला देखो, बता था अभी मैं उधर आके। ठीक है, बच्चों किसको पता है कि कौन से स्कूल का है वो? वो इडियट को ब्लॉक किया था मैंने, फिर से वो कैसे आ रहा वही चेक कर रहा, रुको जरा। बच्चे तुमको पता रहेगा ना किसको, जस्ट मैसेज में आ, ठीक है उसका तो एड्रेस मेरे को मिलेगा एक दो दिनों में बच्चों। ठीक है, जस्ट मैसेज में आ, जस्ट मैसेज में, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पे बोलो मुझे, नहीं मंडे से हो जाएगा, डोंट वरी आर्यन, मंडे से अपने ऐप पे ही होगा। ठीक है, मंडे से वो ऐप पे ही लेक्चर होगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी ये इतना ही सिर्फ जूम पे हो रहा है आज और कल तक, मंडे से तो ऐप पे ही होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई पहचानता है वो बच्चों को, ठीक है, मेरे को तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस तो मिल ही जाएगा मेरे को। ठीक है, आज या कल तक, उसको तो नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, लेकिन अगर कोई पहचानता रहेगा, डोंट रिवील, सबके सामने मत रिवील करो, मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करो प्लीज, कोई स्कूल का नहीं सिर्फ उतना ही रिवील करो बस। ठीक है, अगर कोई पहचान करेगा मुझे सिर्फ एक मैसेज करो बच्चों, बस पर्सनल मैसेज करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, डोंट वरी, फिर आगे मेरे को जो करें वो करूंगा। ओके ओके, चलो अंडरस्टूड बच्चों? यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन ना, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन ना बच्चों? यस सर, यस सर। ओके क्लियर ना? ठीक है, आराम से तुमने ड्रॉ कर सकते हैं, एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बराबर है कि नहीं? यस, आई थिंक सो। कितना आता है पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या आता है इक्वेशन का? 2.2 सॉल्व भी करूंगा। दिस विल बी गेटिंग एडिड, दिस विल बी 3x = 6, x = 2, x = 2 डालूंगा तो y = 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 2.2 बच्चों। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए बच्चों? 2.2 आया सबको? यस सर, यस सर। ओके, यू नो मैंने कल ही बताया कैसे आंसर चेक करना है, अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जो एक्स और वाई रहेगा वो सॉल्यूशन होगा तुम्हारा इक्वेशन का। मतलब जब तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना बच्चों, वो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 2 एंड 2, दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके चलो नेक्स्ट वाला। अभी बहुत से बच्चों को नेक्स्ट सम में प्रॉब्लम था, कई लोग बोल रहे थे सो फ्रैक्शन में आया है, चलो चेक करें।
सबको आया ना एग्जाम बच्चों? यस सर। फ्रैक्शन में आया सबको? फ्रैक्शन में आया वैल्यू? यस सर। सबको? ऐसा कोई भी नहीं है जिसको फ्रैक्शन में नहीं आया? सबको फ्रैक्शन में आया बच्चों? सर मेरे को आया विदाउट फ्रैक्शन। कौन है? सारा? श्रुति। श्रुति ओके गुड। चलो श्रुति हेल्प करो आप फिर। ओके ओके तनिष्क आई विल बी मैसेजिंग। तनिष्क मेरा नंबर जस्ट कॉल मी ओके या यू कैन टेक माय नंबर। ठीक है मैं आपको नंबर देता हूँ जस्ट कॉल मी। तो जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना तनिष्क मैं आपको लिंक भेजता हूँ तो आप देखो पहले के लेक्चर्स। ठीक है फिलहाल के लिए आप क्या करो अटेंड करो आज का लेक्चर। ठीक है अभी कंप्लीट अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 का हम लोग का लास्ट पार्ट चालू है। ओके तो प्लीज ट्राई टू एडजस्ट थोड़ा सा समझ के लो। अगर नहीं आता आ रहा है समझ में प्लीज यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो मुझे। ओके ओके सर थैंक यू। आप थ्रू आइदर चैट सेक्शन या वर्बली भी आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके दनेश ठीक है बट आस्क मी। आपका अभी फर्स्ट क्लास है बहुत से बच्चे लास्ट वीक से अटेंड कर रहे हैं ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए आई थिंक सो 4 to 5 लेक्चर्स हो गए रहेंगे हमारे। ओके चलो यस सर। बच्चों व्हाट वाज द असाइनमेंट? x + 2y = 4। ओके हम लोग क्यू टेबल बना रहे हैं टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हां बच्चों वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x, y. चलो एनी वैल्यूज सर 2, 1 इफ आई एम टेकिंग x सी इफ आई एम टेकिंग x एज 1 तो मेरे को y को कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा कि मुझे 4 आना चाहिए? सर नहीं आएगा। नॉट पॉसिबल ना यार बच्चों दैट इज नॉट पॉसिबल ना। अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं तो y का कोई भी वैल्यू दो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके तुमको 4 आना चाहिए। इज इट पॉसिबल बच्चों? ओके जिसको इक्वेशन नहीं दिख रहा है ऐसा लिखता हूं। ओके इफ आई एम टेकिंग x एज 1 अगर मैंने x 1 लिया तो ये 1 यहां पे जाएगा वो माइनस होगा तो 2y = क्या आएगा बच्चों? 3y = 3/2। वी डोंट वांट द वेरिएबल वैल्यू इन फ्रैक्शन आई टोल्ड यू। हमको क्लियर वैल्यू चाहिए क्योंकि वो फ्रैक्शन में ना आया ना वैल्यू तो उसको प्लॉट करना डिफिकल्ट जाता है ग्राफ पे। गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है बच्चों? ओके तो क्लियर वैल्यू चाहिए मुझे। चलो बोलो क्या आएगा? सो 2y को 1 लेंगे। ओके y को 1 लेंगे वेरी गुड। चलो y को अगर मैं 1 लेता हूं अगर y की जगह पे मैंने 1 लिया तो व्हाट विल बी x बच्चों? 2x = इधर जाएगा माइनस होगा व्हाट विल बी x? 2 यू कैन फ्लक्चुएट कर सकते हैं बच्चों आइदर देख कभी x अगर x के थ्रू नहीं आ रहा है तो y पे जाओ। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को? गेटिंग सर ओके संस्कार ठीक है तो अगर मैंने y 1 लेता हूं तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 2 दिस इज 2, 1। नेक्स्ट अभी चलो y का ही लेंगे बच्चों तो y को 2 लेंगे y का ही लेंगे। यस वेरी गुड बच्चों y का ही लेंगे। ठीक है वाई क्या लेंगे? चलो वाई क्या लेंगे हम लोग? 2 लो तो दिस विल बी वाई अगर मैं 2 लेता हूं तो दिस विल बी 2 2 4 4 - 4 एक्स क्या आएगा बच्चों? 0 ले लेने यस 3 ले ले यस ले लो 3 वाई 3 ले लेना अभी यस सर। ओके अगर मैं वाई 3 लेता हूं तो वाई की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए आएगा बच्चों? 3 तो यहाँ पे क्या होगा? 6 तो 6 4 - 6 दैट इज व्हाट? -2 यस वेरी गुड। चलो आगे 4 ओके y अगर मैं 4 लेता हूँ ओके -4 लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 2 4 - 4 हो जाएगा 8 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो 8 4 - 8 - -4 अंडरस्टूड।
अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। एनी डाउट्स? हम लोगों ने ये कल बहुत अच्छी तरह से लिया है। एनी डाउट्स बच्चों? कैलकुलेशन से अभी तुम लोग टेंथ में, तो तुमको कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चों। बट आई एम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, एक प्लस और एक माइनस की वजह से पूरा सम रॉन्ग होता है। सम में ग्राफिकल सिस्टम में एक प्लस और एक माइनस की वजह से पूरा सम रॉन्ग जाएगा, आई एम टेलिंग यू बच्चों। तो प्लीज करते वक्त जल्दबाजी करो मत, क्योंकि ये सम थ्री और फोर मार्क्स कैरी करते हैं, आई एम टेलिंग यू बच्चों। बी क्लियर है? ठीक है, आने के बावजूद भी अगर हम लोग गलती करते हैं तो बहुत मुश्किल है। ओके तनिष्क, मैं नंबर देता हूँ आपको, डोंट वरी, लेक्चर के 5 मिनट्स पहले मैं आपको नंबर बोलता हूँ, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है? ओके, लेकिन जितना कुछ समझ में सिखा रहा हूँ मैं तनिष्क, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ के लो जो कुछ सिखा रहा हूँ मैं। ओके, ये समझा आपको तनिष्क या अनुष, ये समझ में आया आपको? ओके, ये थोड़ा सा कल मैंने बहुत डिटेल में लिया है, ठीक है? ओके चलो, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है चलो, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला करें। और एक इक्वेशन क्या था? x माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। यस, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x कॉमा y। चलो, यस, कौन बताएगा? बॉयज माइनस वन लेंगे। अभी बॉयज में से कोई बोलेगा, हमेशा गर्ल्स ही बोलते हैं, बच्चों को भी चांस दे रहा है। बॉयज सो रहे क्या? ओ मुलानो काहीतरी बोला, शर्मीले बॉयज सर अपने। ओ मुलानो काहीतरी बोला, एक्स जीरो, एक्स जीरो लेंगे। तो अगर मैं x जीरो लेता हूँ तो y is minus 3, 0, minus 3. Yes, next one. You can fluctuate the value, but it is not necessary. कि अभी अगर मैंने पहले केस में x का ही लिया है, ठीक है, तो सभी में x का ही लूंगा, ऐसा necessary नहीं है। You can take y also. You can take x y also. मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बोलो, yes. Sir, y zero. Y zero. थोड़ा सा सोचो, हमेशा ये वेरिएबल का, एक ही वेरिएबल का वैल्यूज लेते मत जाओ बच्चों, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करो, ठीक है? अगर x क्या लेंगे हम लोग, 2। ओके, अगर x में 2 लेता हूं, ठीक है, तो y क्या आएगा फिर? -2। सब लोगों ने वही लिया है क्या बच्चों? अगर x में 2 लेता हूं, ओके ओके, ये 2 यहां पे जाएगा, दैट विल बी माइनस, yes, minus 2y is equal to 4, 4 is equal to minus 2. Okay, अगर x में 2 लेता हो, तो y minus 2 आता है. Yes, last वाला. x4. x4, okay, very good. चलो, अगर x में 4 लेता हो, अगर x में यहाँ पे 4 लेता हो, तो 4 यहाँ पे जाएगा. 4 minus 6 will be 2, y is equal to minus 1. अंडरस्टूड बच्चों? अभी मेरे को सच बोलो, किसको फ्रैक्शन में आया एक ऑर्डर पेयर? किसको फ्रैक्शन में आया एक ऑर्डर पेयर? बोलो किसको था आया, मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे बच्चों?
ओके स्नेहा को आया ओके स्नेहा यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अवॉइड करो बच्चों फ्रैक्शंस में लाने के लिए यू नो ना मैं क्यों बढ़ाओ तुम लोगों को फ्रैक्शंस में मत लाओ बच्चों ठीक है क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है पता है ना यू नो दैट प्रॉब्लम होता है पॉइंट प्लॉट करने के लिए गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ सर okay, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके देखते okay, फ्रैक्शन में तुमको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फ्रैक्शन में आएगा सॉल्यूशन इक्वेशन फ्रैक्शन में आएगा लेकिन ऑर्डर्ड पेयर फ्रैक्शन में नहीं आएगा बच्चों ऑर्डर्ड पेयर के क्लियर वैल्यूज आ रहे हैं देखो ऑर्डर्ड पेयर के क्लियर वैल्यूज आ रहे हैं बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना ठीक है जब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन उसका फ्रैक्शन में आता है कौन सा है वाई का एक्स वाई ना वाई 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 हाफ आता है समथिंग बराबर यस माइनस हाफ यस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ ओके वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ ओके बच्चों यस यस अंडरस्टूड समझा बच्चों इजी यस सर इजी तो सबको आएगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ आना चाहिए ओके चलो इतने ही समझते ना दो ही समझ दिया था मैंने थोड़ा सा बच्चों समझ में थोड़ा सा लेट दे रहा हूँ असाइनमेंट क्योंकि मेरा लेक्चर भी होता है शाम को दूसरा ठीक है लेकिन जैसा मुझे एडजस्ट होता है जैसे मैं फ्री हो रहा हूँ तुम लोग को असाइनमेंट दे रहा हूँ प्लीज कंप्लीट असाइनमेंट्स ऑन टाइम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ हाँ करेक्ट है वो माई टोल्ड यू ना तेरा करेक्ट है आंसर मैंने कल ही व्हाट्सअप किया ना तेरे को ओके बच्चों ठीक है चलो स्टार्ट करें अभी नया आज तो इसमें कौन कौन से टाइप्स देखे हैं हम लोगों ने ग्राफ में सॉल्व करने की ग्राफ में इक्वेशंस के टाइप्स देखे ना हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के एक होता है देखो ऐसा टाइप कौन सा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग ये एक टाइप होता है मतलब जहां पे बच्चों वेरिएबल का कोएफिशिएंट वन में ठीक है दूसरा टाइप ऐसा होता है दूसरा टाइप ऐसा होता है ठीक है जहां पे ठीक है जहां पे दोनों वेरिएबल में से एक का कोएफिशिएंट वन होगा जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये बड़ा दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट वन होगा और दूसरे का कोई नंबर होगा ओके अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिखता हूं इसमें भी वही केस है ना बच्चों दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट वन होगा और दूसरे का कोई भी नंबर होगा तो दिस इज टाइप टू दिस इज टाइप वन इसमें तो बहुत इजी वैल्यूज कंसिडर करने के लिए हमको इसमें भी बहुत इजी वेरिएबल्स वैल्यूज कंसिडर करने के लिए ठीक है ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने के लिए लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा तो ऐसा कुछ रहा तो अभी ऐसा क्या है मतलब ये टाइप क्या है बच्चों दिस इज टाइप थ्री क्या होता है टाइप थ्री जो भी इक्वेशन दिया है ना उसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट वन नहीं होगा अलग नंबर ही होगा वन छोड़ के अलग नंबर ही होगा जो भी हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे दिया वी डोंट फोकस ऑन कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स कुछ भी रहते उसका लेना देना नहीं है हमको हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है बच्चों ठीक है हमारा मेन फोकस है वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स के ऊपर इसमें वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है ना इक्वेशन में वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट कोई भी वन नहीं है वन छोड़ के कोई भी नंबर होगा यहाँ पे भी वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वन नहीं वन छोड़ के कोई भी नंबर होगा तो ऐसे अलग अलग साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं समझ में आया अंडरस्टूड इनका फ्यूजन भी करते हैं फ्यूजन मतलब क्या बच्चों कभी ये इक्वेशन वन देंगे ये इक्वेशन टू देंगे या कभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देंगे ठीक है आउट ऑफ दिस थ्री टाइप्स वो कोई भी दो इक्वेशन को एक साथ देंगे साइमल्टेनियस अंडरस्टूड बच्चों समझा बच्चों मैंने क्या बोला यस सर यस सर समझ आया बच्चों इधर इसमें से एक इक्वेशन होगा या इसमें से एक टाइप का इक्वेशन होगा इसमें से एक टाइप का इक्वेशन होगा इसमें से एक टाइप का इक्वेशन होगा या इसमें से और इसमें से एक टाइप का इक्वेशन होगा समझ में आया तो ये इजी है यस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर तुम्हारे कैलकुलेशंस बहुत थरली रहेंगे बच्चों तो दिस वन विल आल्सो बी इजी तो आज हम लोग यही करने वाले हैं तो प्लीज ध्यान दो बच्चों आई एम टेलिंग यू ठीक है आज हम लोग यही करने वाले हैं प्लीज ध्यान दो ओके चलो करें स्टार्ट
करिश्मा यस सर ओके चलो सिखाते वक्त बच्चों रफ नोटबुक रखो सामने तुम्हारे कैलकुलेशंस करने के लिए रफ दूसरा का बुक नहीं रफ बुक रखो ये कैलकुलेशंस करने के लिए चलो इजी इक्वेशन लेंगे पहले थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 12 Yes. Is it? Yes, sir. 3x plus 6y is equal to 12. Yes, sir. Okay, so start. Sir, x is equal to 0. X is equal to 0. You want it easy, bachcho? X, y. Okay. देखो 3 से भी 12 जाता है और 6 से भी 12 जाता है बराबर है ना बच्चों 3 से भी 12 जाता है और 6 से भी 12 जाता है तो अगर मैंने x 0 लिया अगर मैंने x 0 लिया तो y will be 2 ओके okay, अगर मैं x 0 लेता हूं यस अगर मैं x 0 लेता हूं दिस विल बी 0 दैट विल बी 6y is equal to 12 y is equal to 2 अंडरस्टूड Understood? Yes. Okay. Very good. 0.2. चलो fluctuate करो interchange करते जाओ values. Sir, अभी y zero. Y zero ले रहा हूँ. अगर मैं अभी y ले सकता हूँ zero. Yes. कुछ problem है क्या? Problem है? अगर मैं y zero लेता हूँ, अगर मैं y zero लेता हूँ, तो ये पूरा term zero होगा कि नहीं? ठीक है. अगर मैं y zero लेता हूँ, तो ये पूरा term zero होगा. तो 3 से 12 को डिवाइड करो तो x क्या आएगा 4 आएगा अंडरस्टूड बच्चों अंडरस्टूड बच्चों यस कम ऑन नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 ओके x इज इक्वल टू 2 ओके वेरी गुड अगर मैं x 2 लेता हूं तो ये 2 हो जाएगा दैट इज 6 प्लस 6y इक्वल टू 12 आगे हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 y 6y is equal to 6, y is equal to 1. अगर x में 2 लिया, y 1 आया, 2.1. Next. x minus 2. x minus 2. Okay, x has minus 2. Okay. So then it will be 3 of minus 2 plus 6 of y is equal to 12. Okay, 3 2s are 6 minus 6 plus 6y is equal to 12. Minus 6 को इधर फेंक 6y is equal to 12 plus 6. 6y is equal to 18. Y is equal to divide करने के बाद okay चलो अच्छा वाली बात अगर x में minus 2 लेता हूँ तो y will be 3 बराबर है और किसको कुछ values apart from this values किसके पास कुछ अलग values है ठीक है बच्चों अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूज किसके पास और कुछ अलग वैल्यूज है क्या ओ बच्चों बोलो यार मैं ही चिल्ला रहा हूँ यहाँ से y माइनस वन ओके तो दिस विल बी ओके इट्स वेरी गुड y अगर माइनस वन लेता हूँ ठीक है तो दिस विल बी प्लस सिक्स यस इफ यू टेक y एज माइनस वन भी ले सकते हैं तो हमको x सिक्स मिलेगा Yes, any other? 3 minus 2. Yes. Constant value? Minus 2. Why? X already liya hai minus 2. Okay, understood, bacho. Values kuch bhi karo, lekin wo aana chahiye, achhi tarah se aana chahiye, and that
ऑर्डर पेयर मिला है दैट शुड बी इजिली प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, और वो ऑर्डर पेयर या वो पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए, देन ओनली हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? समझा? ये तो चिल्लर था यार, ये चिल्लर था, समझ बराबर है? अभी तो कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और, क्योंकि इसमें 12 इससे भी डिविजिबल है, 12 इससे भी डिविजिबल है, तो कोई भी वैल्यूज लो आ जाता है आंसर। ओके चलो, बच्चों मैं ऐसे ही करता हूं, तो ग्राफ आएगा ड्रॉ करने के लिए, आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं तुम लोगों को ग्राफ आएगा ड्रॉ करने के लिए। बच्चों तो एक्सरसाइज के समझते हैं, फिक्स नंबर 3x माइनस 4y माइनस 3x - 4y = -7, पहले इसका इक्वेशन करेंगे। बहुत अलग टाइप का समय है बच्चों ये, ठीक है? x, y, x, y, चलो सोचो, सोच के बोला 3x - 4y = -7 ओके, 3x - 4y = -7 सोच क्या, अगर मैं x1 लेता हूँ, अगर मैं x1 लेता हूँ, if I'm taking x as 1, this will be 3, ये इधर से, अगर मैंने x1 लिया बच्चों तो I won't be getting answer, this will be -10, I won't be getting answer, yes, take x is equal to -1, very good। अगर x में -1 लेता हो बच्चों, अगर x में -1 लेता हो, this will be -3, -3 इधर आने के बाद प्लस होगा, so that will be -4, minus minus cancel, y is equals to 1, okay? अगर x में -1 लिया, तो y मुझे 1 आया, 1, -1. Understood? Yes. जितने भी boys, बाकी लोग सो रहे हैं क्या, आंसर करो। Yes sir. Okay, समझा? ओम नहीं समझा, ओम व्हाट, क्या हुआ, क्या नहीं समझा? ओम मैंने x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ ना, तो I won't be getting answer, मुझे आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। ओके, मुझे आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है वो, तो इसलिए मैंने x का वैल्यू -1 लिया, तो -1 डालने के बाद आई विल बी गेटिंग y is equals to 1, देखो कैलकुलेशन, -1, 3 minus 3, minus 3 इधर आएगा प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस साइन मतलब प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओम समझा? ओके चलो नेक्स्ट ट्राई करो आर्यन, ओम बाकी बॉयज बोलो, तो y is equal to 2, y equals to 2, okay, is it possible? Yes. 2 is 8, minus 8, आपके जाएगा plus 8, that is दोबारा नहीं यार, fraction में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, y is equal to how much equal to minus 2, क्या? Sir, x is equal to 5, okay, just wait, पहले अभी एक ने क्या बोला था, y is equal to minus 2 या 2? 2, okay, ओके y is equal to 2, ओके आ जाएगा बच्चा, y 2 लिया तो 3x कैसे आएगा, कैसे आएगा बच्चों, how is that possible, is it possible sir, x is equal to 5, is it possible y is equal to 2 लिया तो मुझे फ्रैक्शन में आएगा 1/3, that is not possible sir, x 5 लो ना होएगा, हो जाएगा, okay, x 5 चलो, x 5 लेंगे, okay चलो, तो क्या होगा x 5, 3 5 का 15, 15 इधर हो जाएगा, ठीक है, तो -15 -20 is not possible बच्चों, x is equal to 5 नहीं ले सकते, 3 5 15 plus 15 इधर आएगा तो -15 होगा,
दैट विल बी माइनस 22 माइनस 22 फोर से डिवाइड होगा क्या बच्चों फ्लक्चुएट करो बच्चों वैल्यूज फ्लक्चुएट करो सर माइनस 5 यस माइनस 5 माइनस 5 व्हाट x का y x ओके माइनस 5 दैट इज माइनस 15 माइनस 15 यहां पे हो जाएगा प्लस ठीक है तो 7 और ये 7 और 15 कितना रहा 5 6 7 8 यस आता है x इज इक्वल्स टू माइनस 5 ओके सो दिस विल बी 3 इनटू माइनस 5 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 15 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 15 इधर आएगा बच्चों दैट विल बी प्लस 15 माइनस 4y इज इक्वल टू 8 ना ओके y इज इक्वल टू माइनस वेरी गुड चलो वेरी गुड y इज इक्वल टू माइनस 1 Yes. Y is equal to minus 1. Y is equal to minus 1. Yes, very good. किसने बोला? Very good. Huh? Y is equal to बच्चो minus 1. Y is equal to minus 1 लेने के बाद 3x minus 4 minus 1 is equal to minus 7. 3x minus 4 plus 4 is equal to minus 7. माइनस वन नहीं आएगा बच्चों इज इट पॉसिबल सर वाई इज इक्वल टू 4 ओके अगर वाई हम लोग माइनस वन लेते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है बच्चों अगर वाई माइनस फाइव फोर लेंगे सर वाई इज इक्वल टू 4 लिया तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 4 ओके तो दिस विल बी 4 4 जा सर 16 होगा प्लस 16 होगा इस साइड दिस इज माइनस 4 ना ओके दिस माइनस 16 तो यहां पे कितना 3x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 16 3x इज इक्वल टू 9 कितना होगा 9 x वेरी गुड चलो वेरी गुड x 3 y 4 देखो कितना टाइम लगता है बच्चों ये सम्स के लिए 3 कॉमा 4 आगे चलो फटाफट7 लेना पड़ेगा तो माइनस 7 माइनस 21 ये सारे तो प्लस 21 प्लस 21 और 7 कितना बचेगा फिर 14 हाँ 14 तो y इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 7 दिया तो दिस विल बी 4 7 द 28 ओके y इज इक्वल टू 7 के थ्रू आ सकता है दिस विल बी 28 This will be plus 28. Yes, this will be 21. X is equal to 37. Or kuch? Chalo bachcho try karo fatafat bolo. Or kuch values le sakte hai kya log? Or kuch values le sakte hai kya bolo? Chalo fatafat. अदर वैल्यूज भी आ जाएंगे लेकिन ऐसे वैल्यूज मत लेना बच्चों की फ्रैक्शन में आया तुम लोग आंसर ऐसे वैल्यूज मत लेना बच्चों के आंसर फ्रैक्शन में आया गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ ठीक है कैलकुलेशन टेबल तुम लोग के बहुत परफेक्ट होना चाहिए x is equal to 7 या सेम यू विल बी गेटिंग y 7 चारों सेम रहे अगर y 7 लिया तो x भी 7 आएगा या x 7 लिया तो y भी 7 आएगा लेकिन बच्चों डोंट ट्राई ओरली यहाँ इसको सॉल्व करो आई एम टेलिंग यू बच्चों समझ में ओरली ट्राई करो मत इसको सॉल्व करवा देन ओनली फाइंड द वैल्यूज हर एक इक्वेशन अलग अलग है अब तुम लोग बोलेंगे सर क्या ट्रिक्स है सर इसमें दिमाग में रखने के लिए बच्चों इसके लिए कुछ ट्रिक्स नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू समझ में ज्यादा से ज्यादा वो अरेंज करना है इक्वेशन लेकिन मैं नहीं तुमको सजेस्ट करूंगा अरेंज करने के लिए क्योंकि अगर अरेंज किया हम लोगों ने इक्वेशन और वेरिएबल का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलता है तो तुम लोग को एक वेरिएबल का ही कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा मैंने
बोला तुम लोग को, अगर एक वेरिएबल का वैल्यू नहीं आता है तो फ्लक्चुएट करो, वाई का निकालो, अगर वाई नहीं आता है तो एक्स का निकालो, अलग अलग वैल्यूज डाल के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गेटिंग बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक्स का नहीं आ रहा है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर एक्स डाल के मुझे फ्रैक्शन में आ रहा है तो गो फॉर वाई, वाई में अलग वैल्यू डालो। समझ में? अगर वाई ओके तो वाई में कोई ना कोई तो वैल्यू बैठ ही जाएगा जो डिवाइड करके तुमको क्लियर आंसर दिया जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों? समझा? डोंट ट्राई टू कीप इट इन फ्रैक्शन, ठीक है? अगर डेसिमल में आता है तो भी चलता है, लेकिन मत, मेरा सजेशन रहेगा मत करो ऐसा। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत एक्सट्रीम केस है और तुम लोग को वैल्यू ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर एक टाइम वैसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस है और तुम लोग को वैल्यू ही नहीं आ रहा, उस टाइम हम लोग सोच सकते करने के। लेकिन अगर है, पता है, देखो ऐसे वैल्यू आ रहे हैं, सोचो जितना तुम लोग का टेबल लर्न रहेगा अच्छी तरह से, फटाफट तुम लोगों कैलकुलेशन आते जाएंगे। लेकिन यू नीड अ रफ वन, ओरली नहीं पॉसिबल है बच्चों, आई एम टेलिंग यू, गलती से भी करो मत। ओके, समझा? एनी डाउट्स? अभी इसके बाजू का भी क्वेश्चन करेंगे। चलो इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में बहुत इजी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना इजीली आ जाएगा, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स ऐसे ही सब्जेक्ट है बच्चों, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके तुमको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है? इसमें ट्रिक्स नहीं है, मैं तुमको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें तुम लोगों को वो आदत, मतलब वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, कभी कौन से वेरिएबल का वैल्यू कंसिडर करके हमको आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, अगर मैं x 0 डालता हूँ, ये तब 0 हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दोनों का मल्टीपल देखो, मल्टीपल 5 का और 2 का, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो दिस विल बी 10, हाँ 10 2 से जाता है कि नहीं? समझ में? अगर मैंने x2 लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 into 2 minus 2y is equal to 0, that is 10 minus 2y is equal to 0 minus 2y is equal to minus 10 minus minus cancel, y is equal to 5. Understood? Okay, very good. x2, y, 5. अगर y में डाल सकता हूँ, नहीं सेम आंसर आएगा फिर। अगर मैं y माइनस फाइव डाल सकता हूँ बच्चों, या x माइनस टू डाल सकता हूँ, मैं x माइनस टू डाल सकता हूँ, यहाँ पे तो जीरो ही है ना, यहाँ पे जीरो ही है ना, मैं ड्रॉप कर दो। अगर x में माइनस टू डालता हूँ, अगर x में माइनस टू डालता हूँ तो दिस विल बी माइनस 10, माइनस 10 यहाँ पे जाके क्या होगा, प्लस 10, तो वाई क्या आएगा, माइनस 5 आएगा ना, तो एक्स माइनस 2 आएगा, वाई माइनस 5 आएगा बच्चों। समझ में आ? देखो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल है यार, ये दूसरे के मल्टीपल आते हैं ना, समझ में आ रहा है? अगर मैं सेम केस उल्टा करता हूँ, अभी रिपीट, अगर मैं वाई नहीं, अगर क्या डालना है, कौन सा वैल्यू डालेंगे हम लोग, कौन सा वैल्यू डालेंगे, सोचो, चलो बोलो जल्दी। 5 x equal to 4, x is equals to 4 over, that will be 5 4s are 20 20 and this will be 2y, y का 10 आएगा वैल्यू। ग्राफ का लिमिटेशन पता है ना, ग्राफ का लिमिटेशन कहां तक होता है बच्चों, इट इज अराउंड 8 ओनली ना, यस? सोचो, बोलो और एक वैल्यू,
कोई आ रहा है क्या वैल्यू? सोचो बच्चों, नहीं आता सर, नहीं आ रहा है। एक्सट्रीम कैसे, क्या नो एक भी वैल्यू नहीं आ रहा है? एक्सट्रीम कैसे, कैसा? हाँ, क्योंकि अदर वैल्यूज आते हैं बच्चों पर, लेकिन वो ग्राफ में फिट नहीं होते। अदर वैल्यूज आएंगे लेकिन वो ग्राफ में फिट नहीं होंगे। 5 2 2 5 बराबर है, उसके बाद 20 तो नहीं आएगा, 22 से भी, लेकिन वो 10 जाएगा। 2 5 एनी अदर वैल्यू बच्चों? नहीं ना, वैल्यूज आते हैं बट वो ग्राफ पे नहीं होगा। एक्सट्रीम लिमिटेशन 8 तक ही है, तो क्या करें एक्सट्रीम केस में? करें डेसिमल का, करें डेसिमल, करें बच्चों ऐसे डेसिमल के थ्रू करें। ओके, तो मैं अगर एक्स वन लेता हूं, ओके, अगर मैं एक्स वन लेता हूं तो व्हाट विल बी वाई? अगर मैं एक्स वन लेता हूं, अगर मैंने एक्स वन लिया तो क्या हो जाएगा? 2.5। यस, अगर मैं एक्स वन लेता हूं 2.5 - 2y = 0। इसको शिफ्ट कर इधर, y = 5/2, y = 2.5। ओके, तो अगर मैं एक्स वन लेता हूं तो y मुझे आएगा 2.5, 1, 2.5। यू कैन राइट इट इन फ्रैक्शन वर्स 1। पक्का? और कोई भी वैल्यू नहीं आएगा बच्चों? सोचो जरा, एकदम पक्का नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा ना वैल्यू? आएगा वैल्यू, लेकिन वो ग्राफ तक नहीं होता है। एक्सट्रीम 8 तक ही चाहिए ना हम लोगों को। गेट इट? समझ में आया बच्चों? बच्चों समझा? यस सर, यस सर। ज्यादा से ज्यादा बहुत एक्सट्रीम केस लेगा तो ले लो फ्रैक्शन से, कोई ऑप्शन। 2.5 पता है प्लॉट कैसे करते ग्राफ के ऊपर? This is zero. Okay. ये बन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे रहेगा 0.1 2 3 4, यहाँ पे 5 बराबर है, उसके बाद 6 7 8 9 और फिर 1। This will be 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7। तो लाइन देखना पड़ेगा तुम लोगों को, समझ में अप्रोक्सीमेट आता है ना वो लाइन? क्लियर आती है, अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा बच्चों। वो लाइन क्लियर आएंगे ग्राफ पे, ग्राफ पे 2.5 दिख के आएगा तुम लोगों को, पता है ना? किसको नहीं पता सर? हमको नहीं दिख के आएगा 2.5, पता है या नहीं बोलो बच्चों, पता है या नहीं? हाँ सर पता है। यस सर, पता है ना? दिस इज ए वन रहता है, दिस इज जीरो, यहाँ पे 5 रहता है 1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 7 8 9 1 2.5 यहाँ पे रहेगा, तो ऐसा ऊपर तक लाइन दिखना है। यहाँ का 1 1 यहाँ, ओके, एक्स का 1 है और इधर का 2.5 रहेगा। ओके बच्चों, क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो ये केस में हमको एक्सट्रीम वैल्यू लेना पड़ा डेसिमल में, क्योंकि कोई भी वैल्यूज है हमारे पास, लेकिन ग्राफ का लिमिटेशन 8 तक ही है। ओके, व्हाट इज आदित्य सेइंग? आदित्य इज बोलिंग 5 ले सकते क्या सर? आदित्य यू आर टेलिंग व्हाई 5 ले सकते क्या? अरे हाँ, व्हाई लिया है ना आदित्य? 5 आदित्य, व्हाई कितने है 5 पर? दिमाग में रखा, जैसा आदिति ने क्वेश्चन पूछा ना कि सर अगर वाई हमको 5 देंगे, बच्चों ऑलरेडी वाई 5 है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे वाई 5 भी लिया तो तुमको एक्स 2 आएगा, सेम ऑर्डर पे आएगा, ठीक है? तो सेम ऑर्डर पे नहीं चाहिए ना, समझ में आया? हम लोग एड़ा नहीं बना सकते किसको, बराबर है ना? ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इसको तो नहीं बना सकते हम लोग, मार्क्स कट जाएंगे ऑब्वियसली। सेम ऑर्डर पर आएगा, अगर मैं x 2 लेता हूँ y 5 आता है तो 2.5, या अगर मैं
माइनस फाइव लेता हूँ तो टू हो आएगा, दोनों सेम ही ऑर्डर पे रहेगा, ठीक है। लल्लू किसको बनाओ माता, ठीक है, अंडरस्टूड बच्चों। चलो नेक्स्ट सम करेंगे, लास्ट पड़ा है। ओके चलो ध्यान दो, अभी ये नंबर्स बड़े थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, ऐसे डायरेक्ट सम्स में टाइम लगता है, बट दैट टाइम शुड बी वैल्यूएबल बच्चों, आंसर आना चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट करेंगे और आंसर नहीं आया तो दिमाग खराब हो जाता है फिर। सर अगर ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है तो मतलब गौतम ही नहीं समझा, प्लीज 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 फिर से क्वेश्चन डालो गौतम, क्या है क्वेश्चन? गौतमी प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ओके 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलो स्टार्ट बच्चों फटाफट। x कॉमा वाई, एक्स या वाई क्या लेंगे? एक्स टू लेंगे। अगर एक्स मैंने टू लिया, ओके जैसा वाई जीरो, अगर मैं एक्स टू लेता हूँ, टू टू था फोर आया, एक फोर इधर जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके वेरी गुड। चलो सर वाई टू, वाई टू, वाई टू लेंगे। ओके तो अगर मैं y2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मेरे y2 लिया तो दिस विल बी 2x, 2x माइनस 6, 4 प्लस 6, 2x 10, x इज इक्वल टू 5। ओके वेरी गुड। चलो आगे फटाफट, y माइनस 2, यस y माइनस 2, y माइनस 2, ओके इफ यू टेकिंग y माइनस, वेरी गुड यार। ओके y माइनस टू ले जाता, दिस विल बी प्लस सिक्स, प्लस सिक्स इधर आएगा, ये होगा माइनस टू, x इज इक्वल्स टू माइनस वन। ओके फटाक से और इजी इक्वेशन है, और क्या ले सकते हैं हम लोग सर? माइनस वन है, कौन सा सर? बॉक्स में x माइनस वन, y माइनस टू। ओके x माइनस वन, ओके यू आर टेलिंग x इज माइनस वन, ओके तो x माइनस वन सर आपने रॉन्ग लिखा है यार, सर x माइनस वन, विच वन थर्ड वाला सर, थर्ड वाला x हम लोग ने माइनस वन लिया है क्या? ओके सॉरी दिस वन, ओके चलो बोलो नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू आपके में x में जाएगा क्या? 300 यार, कोई तो वैल्यू आएगा बच्चों, सोचो जरा। y = सर अगर आंसर 8 आया तो चलेगा? हां चलेगा, लिमिटेशन 8 का है ना बच्चों, तो लिमिटेशन चलेगा। अगर y में 4 लेता हूं, x = अगर मैं y 4 लेता हूं 8 आएगा, देखो अगर मैं y 4 लेता हूं 3 4 जा, अगर y में 4 लेता हूं ओके तो दिस विल बी माइनस 12 बराबर है ना, ठीक है तो माइनस 12 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 4 प्लस 12 दैट विल बी 16, x इज इक्वल टू 8। ओके चलेगा, चलो 8 कॉमा 4 बच गए, एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं आए, बच गए, समझा? और कुछ वैल्यूज है जिसके पास? डेसिमल में तो इजी है बच्चों, डेसिमल में तो आ जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ओके अंडरस्टूड बच्चों, अगर x 4 लिया तो, अगर x 4 लिया तो क्या हो जाएगा, 4 2 2 जा 2 2 जा 4 4 यहां पे जाएगा ना, नहीं 4 लिया तो दिस विल बी 8 यार, 2 4 जा 8 यहां पे माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 8 नहीं होता, रिकरिंग में आएगा, डेसिमल में आएगा, अगर y 1 लिया तो,
अगर y सर अगर x माइनस फोर लिया तो अगर x माइनस फोर लिया तो अगर x माइनस फोर लिया तो दिस विल बी माइनस एट ना माइनस एट यहाँ पे जाएगा और प्लस हो जाएगा यस माइनस एट वहां पे जाके प्लस हो जाएगा दैट विल बी ट्वेल्व माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा ओके y इज इक्वल टू माइनस वन हाँ ये भी वैल्यू है अगर x में एट लेता x अगर मैंने माइनस एट लिया ना तो y माइनस फोर आएगा अगर x में माइनस एट लेता हमारा तो y माइनस फोर आएगा और एक वैल्यू आती है बच्चे अंडरस्टूड अंडरस्टूड बच्चों ठीक है इसके साथ और एक इक्वेशन है चलो वो इजी है क्या दिया है इक्वेशन द्वारा थ्री वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर अबे अरेंज करने मत बैठो बच्चों यू वांट मी टू अरेंज अरेंज करने का तो अरेंज करो अगर नहीं किया तो भी चलेगा सर एक्स माइनस फोर या नहीं किया तो भी चलेगा हमको सिर्फ उसके ऑर्डर पे शॉर्ट बनेगा आपके सर फर्स्ट इक्वेशन में माइनस एट नहीं है वो माइनस फोर है एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस फोर फर्स्ट में क्या विच वन दिस सम ना दिस सम ना You're talking about this sum? No, sir. Previous one. क्या कौन सा previous sum है? Fifth ordered pair. It will be minus four. X is equal to minus four. Y is equal to minus four. Yeah, x minus four. Yeah, sorry, I mean उल्टा लिखा है. Minus four, minus eight. Okay. Sir, y भी minus eight, minus four ही है. Okay, this is also minus four. हाँ, बराबर. Minus four आएगा. R two four सा eight minus eight yes. चलो बच्चों इसका क्या आएगा सर x इज इक्वल टू माइनस फोर विच वन ये सब में भी यस सर ओके अगर x में माइनस टू लेता हूँ तो नहीं होगा तो y विल बी जीरो x में टू लेता हूँ तो नहीं होगा अगर x माइनस टू लेता हूँ तो भी माइनस टू यहाँ पे आप x टू लिया तो आ जाएगा ना बच्चों अगर मैं x2 लेता हूँ तो दिस विल माइनस टू ना देखो ना माइनस टू को फेंको इधर गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ बराबर है ना हाँ हाँ बराबर बराबर है कि नहीं अगर x में टू लिया तो y भी टू आ रहा है टू कॉमा टू यस नेक्स्ट सर x माइनस फोर x का वैल्यू माइनस फोर लेना है यस सर तो माइनस फोर लेने के बाद वो प्लस y will be zero ओके यस x माइनस फोर आएगा तो y जीरो आएगा x अगर माइनस फोर है तो दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस फोर दैट विल बी प्लस फोर प्लस फोर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा दैट इज फोर माइनस फोर जीरो अपॉन थ्री दैट इज जीरो आएगा यस नेक्स्ट वाला x माइनस वन x का वैल्यू क्या है ओके माइनस वन लिया अगर अगर x माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन यस बराबर एक्स अगर मैं माइनस वन लेता हूं तो माइनस वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर ये वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर ये इधर जाएगा तो थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू वन ओके तो अगर एक्स में माइनस वन लेता हूं तो वाई विल बी वन माइनस वन कॉमा वन एंड लास्ट में सर y इज इक्वल टू 3 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 विच वन x x x ओके माइनस 2 ओके 4 माइनस सर x माइनस 5 नहीं आएगा माइनस 2 लेने के बाद माइनस 2 नहीं होगा बच्चों सर x माइनस 5 माइनस दिस विल बी पॉजिटिव 2 तो इधर जाके माइनस हो जाएगा दैट विल बी 4 माइनस दैट विल बी 2 अपॉन 3 यस कौन सा वैल्यू और x माइनस 5 x एज माइनस 5 ओके माइनस 5 दैट विल बी प्लस ओके अगर x मैंने माइनस 5 लिया इधर इट विल बी प्लस x इज इक्वल टू 5 लेंगे सिर्फ नहीं नहीं माइनस 5 भी तो 5 लेंगे 5 लेंगे आई थिंक सो फाइव लेंगे एक्स फाइव लेंगे अगर मैंने फाइव लिया तो दिस विल बी माइनस फाइव ना तो ये माइनस फाइव
तो प्लस होगा, तो 4 प्लस 5 क्या होगा, 9 होगा। 9 तो 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, यूपी कहीं 5.3। अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। बच्चों देखो ये इसमें कुछ रट्टा नहीं मार सकते, कुछ लर्न नहीं कर सकते, तुम लोग को अलग अलग वैल्यूज निकालने आना चाहिए। सब खेल ये ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर है बच्चों। अगर टेबल्स सरली हो जाते हैं और कैसे सॉल्व करना वो भी समझ में आ जाता है बच्चों, तो तुम लोग को ऑर्डर्ड पेयर ठीक से मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा बच्चों, मिस्टेक्स होते हैं साइड में प्लस माइनस माइनस प्लस पे, प्लीज अवॉइड करेगा बच्चों। एक बार वो अवॉइड करें तो तुम लोग को आंसर इजिली मिल जाएंगे बच्चों, समझ में। यू नो अगर 4 ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तुम लोग, ठीक है, और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो लाइन ड्रॉ करके लो, भले 4th रॉन्ग आया तो भी चलेगा, ठीक है। अगर 4th ऑर्डर्ड पेयर रॉन्ग आया तो भी चलेगा बच्चों, उनको ग्राफ देखने वाले वो लोग तुम्हारा, ठीक है, ग्राफ एंड योर पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन करेक्ट है या नहीं वो देखते वो लोग। तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर क्या लिया है बच्चों ने, क्या नहीं लिया, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इतने पेपर्स होते हैं चेकिंग के लिए, हर एक बच्चों को ऑर्डर्ड पेयर देखते नहीं वो लोग। They will be just taking your line of the equation, graph देखेंगे equation का, okay? और उनका solution of the equation या point of intersection देखेंगे, बस उनको उससे लेना देना है। अगर fourth किया, 3 ordered pair points collinear आ रहा है, 4th नहीं आ रहा है तो रहने दो, वो 3 points के through line draw करो। Getting में क्या बोल रहा हूँ बच्चों? Understood बच्चों? सर x minus 7 भी ले सकते हैं। x minus 7, okay 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 okay. सोचते बैठो अभी, x माइनस 7 माइनस वो प्लस हो जाएगा 7 8 9 10 11, नहीं यार x नहीं ले सकते ना, x माइनस 7 माइनस लिया तो आ जाएगा, x का वैल्यू अगर माइनस 7 लिया तो आ जाएगा। अगर x में माइनस 7 लेता हूँ तो दिस इज प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 इधर आ जाएगा वो माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, ये वैल्यू भी आ जाएगा। किसने बोला सारा? नो सर, स्नेहा। ओ किसने, मेरे को आवाज मेरे को आइडेंटिफाई करने नहीं आता, ठीक है, ओके बच्चों अंडरस्टूड। तो वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आज मैं 2 ही समझ दूंगा, ये आज मैं कंप्लीट एक्सरसाइज भेजूंगा बच्चों, ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन मैं भेजूंगा, वो जैसा है छापो कॉपी पेस्ट करो वो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो 2 सम्स दूंगा ना एक्स्ट्रा वाले, इससे रिलेटेड इक्वेशन से रिलेटेड, वो प्लीज ठीक से करो, ठीक है, वो अच्छी तरह से करो। अगर किसी कुछ डाउट्स आता है मुझे व्हाट्सएप करो, या हम लोग कल फिर से 10 मिनट वो पहले लेक्चर लेंगे। आई थिंक सो ये टॉपिक खत्म हो गया, कल नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बच्चों, सर आप टेस्ट के बारे में बताने वाले थे। यस यस टेस्ट बच्चों, इट विल बी अराउंड 20 मार्क्स का टेस्ट, ओके, क्वेश्चन 1 मार्क्स एमसीक्यू आएगा, ओके, एमसीक्यू के क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के या 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क का सॉल्विंग क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का सॉल्विंग क्वेश्चन रहेगा, ओके, और पॉसिबल हुआ तो 3 मार्क का होगा, नहीं तो डायरेक्टली 4 मार्क का एक ग्राफ का सम होगा, आई एम टेलिंग, ठीक है सर। कैसे करना है ग्राफ का, क्या यू मस्ट बी हैविंग ग्राफ पेपर या रफ पेपर रहेगा ना, हाँ, कैसे करना है बच्चों, जूम पे ही होगा, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, जैसे स्कूल में होता है तुम्हारे पेपर में लैपटॉप के थ्रू स्क्रीन शेयरिंग करूंगा, सबके वीडियो ऑन रखना है, अगर जो वीडियो ऑफ रखेगा उसका माइनस को होते जाएगा, ठीक है, टाइम लिमिट में मैं पेपर स्टार्ट करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करना है, सामने क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करना है, ओके, और जैसा पेपर खत्म होता है उसके 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स यू हैव टू सबमिट इट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं लिख के दूंगा उस टाइम, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबके पेपर सबमिट होना चाहिए विद इन 10 मिनट्स। अगर जो लेट सबमिट करता है इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ के फॉर्म में या इमेजेस के फॉर्म में, जो लेट सबमिट करता है 10 मिनट के बाद उनका माइनस 1 जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, अगर 5 मिनट हो गया तो माइनस 5 होगा, ओके, तो स्क्रीन शेयरिंग रहेगा बच्चों, सबका वीडियो ऑफ रहेगा, ऑफ फिर होगा आपको ऑन रहेगा, सबके वीडियोस ऑन रहेंगे और आपको क्वेश्चन देख के लिखना है, ओके, तनिष्क आपका टाइम कितना है? टाइम अभी फॉर 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही होता है बच्चों, यहाँ वी गिव ओनली 1 आवर,
उतना प्रैक्टिस होना चाहिए लोगों को जितना जल्दी पेपर, क्योंकि एवरी ईयर बच्चों अभी ये साल नहीं हुआ, एवरी ईयर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 10th स्टैंडर्ड के स्पेशली फॉर एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, उन लोगों का पेपर अगर 11 o'clock तक रहेगा तो उनका पेपर 1.5 घंटे में ही खत्म होता है। ठीक है, 1 hour 15 minutes मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गए बोर्ड में पेपर सॉल्व करने के लिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए विद एक्स्ट्रा सम्स, समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन में रखूंगा स्टार्टिंग से ही। डोंट बी अपसेट, अरे मेरे को आने के बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला, बच्चों तुम्हारा स्पीड बढ़ना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। ठीक है, चलो किसको मेरा नंबर? सर कल का लेक्चर की लिंक, कालच्या लेक्चरची लिंक बाळ अजून रेकॉर्ड नाही झालाय, मी काम आज आहे, फ्रायडे आहे ना, वेनसडे थर्सडे आणि फ्रायडे, आज या तिन्ही लेक्चरची लिंक मी पाठवतो ऍपवर। ठीक आहे, फोर मार्क्स का आया तो एक ही रहेगा, अमर अमर फोर मार्क्स का सम आया तो एक ही होगा। ओके यस, क्या पूछ रहे थे एनीवन? सर इन विच बुक वी हैव टू सॉल्व द टेस्ट? टेस्ट के लिए बच्चों कोई भी बोर्ड सप्लीमेंट तो नहीं मिलेगा तुम लोगों को, एक्चुअली में बोर्ड सप्लीमेंट भी होना चाहिए था, जिनको मिलता रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, जिनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलता है तो वो लोग नॉर्मली रफ पेपर होता है ना उसपे लिखो, एक टेस्ट बुक बनाओ अलग सा सेपरेट। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फाइलिंग सिस्टम होने वाला है बच्चों। हाँ नॉर्मल बुक रही रहेगा, नॉर्मल बुक तुम्हारा फाइलिंग सिस्टम या कोई भी पेपर होता है ना उसके ऊपर ही, क्योंकि वो सभी जितने भी टेस्ट पेपर्स हो गए तुम्हारे सब फाइल अप होने वाले हैं हर एक बच्चों के। ठीक है सर, कितने नंबर? मेरा व्हाट्सएप नंबर जिसको चाहिए था, आई थिंक सर कल इसको चाहिए था ना, 751-749-6362 दिख रहा है क्या तनिष्क? नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी लेक्चर होने के बाद करवा तो मेरे को लिंक भेजने के लिए आपके नंबर पे 751-749-6362 होने के बाद कॉल में ऑन दिस नंबर। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ पहले। यस एनीवन कुछ पूछ रहे थे सर, एग्जाम कितने बजे होगा संडे को? शाम को होगा बच्चों, आराम से शाम को, मॉर्निंग में नहीं होगा, कई चर्च भी होता है, शाम को आराम से 6 o'clock, 6 to 7। ठीक है, या 5 o'clock को, 5 to 6, कई लोगों का रमजान भी होता है इसलिए 5 o'clock को बहुत कंफर्टेबल है, 5 to 6:15 तक। ओके दैट विल बी इजी सर। याद संडे लास ना? ओ याद संडे ला, याद काय याद संडे ला, तारीख काय है, डेट का है या संडे? दोन 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 मैसेज स्टार्ट करना असाइनमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, ऐसे उठ के आओ मचा टेस्ट के लिए, आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह। सर मुझे एक डाउट, चलो मच करें आज के लेक्चर में बच्चों, टाइम बहुत है। डाउट है? डाउट है हाँ। कौन? अंजलि? एनीवन? सर नोटबुक में करना है टेस्ट या फिर पेपर्स पर? रफ पेपर पे बच्चों, यू कैन डू इट एज इन रफ पेपर, बाद में स्टेपल करके यही करने वाले, या बुक में किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ओके डू वन थिंग, बुक में ही करो, तुम लोग को इजी गिरेगा, बाद में फिर वो निकाल सकते हैं हम लोग पेपर्स। कल डिटरमिनेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, अलग सा है, कभी पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, एटलीस्ट इसका तो कुछ आइडिया था तुम लोग को, नाइन्थ में थोड़ा तो आइडिया था इसके बारे में। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट क्या है वो तो कुछ भी आइडिया नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट है, इसके जैसा बोरिंग नहीं है, नहीं वो नहीं आने वाला है अमर, वो नहीं आएगा, सिर्फ दो ही टॉपिक्स है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड उसका ग्राफिकल मेथड, बस उतना ही है, वो टॉपिक नहीं आएगा जो कल मैं सिखाऊंगा। ओके बच्चों चलो बस करें सर, ऐप वर टाकना का किती वाजता असणार? ऐप पे नहीं रहेगा बच्चों, Zoom पे ही होगा टेस्ट, जैसे अभी हो रहा है ना। ठीक है, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करूंगा, तो स्क्रीन पे तुमको पेपर दिखेगा और तुमको लिखना है विद इन अ गिवन टाइम। नहीं सर, टेस्ट का टाइम आप ऐप पर बताओगे ना? काय ना? टेस्ट का टाइम ऐप पर सांगणार ना? हो ऐप पर सांगणार मी, ऐप पर
करण टाइमिंग्स ओके ऍपवर मी पर्सनली इन्फॉर्म करण तुम्हाला आणि तुमचे बाकीचे पण जे फ्रेंड्स आहेत ज्यांनी आय थिंक तो ऍप डाउनलोड नाही केला पण लेक्चर्स अटेंड करतात त्यांना पण इन्फॉर्म करा तुम्ही ओके. पहिली टेस्ट आहे अच्छा लिखो ठीक आहे चलो बाय टेक केअर बच्चो ठीक आहे असाइनमेंट्स कंप्लीट करो प्रॅक्टिस करो बच्चो टेंथ स्टँडर्ड स्टार्ट हुआ है ओके और बहुत अच्छी तरह से होगा डोंट वरी ओके जो मैं बोल रहा हूँ उतना करो बस दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ओके चलो बाय टेक केयर बच्चों ठीक है बी सेफ घर पे ही रहो बाहर मत जाओ एंजॉय बाय.